सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। साथियों, मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। जो भी मतलब ये अफवाह उड़ाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है कांग्रेस में चले गए हैं और वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि कभी एक आज से कुछ समय पहले कुछ लोग ये चिल्ला रहे थे कि क्या नाम है चंद्रशेखर आजाद बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी जी गई थी उनसे मिलने के लिए, तो उनको ये बता दिया गया कि वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आरएसएस का वो समर्थन करते हैं, वो आरएसएस का एजेंट है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से, अगर मेरी आप आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, अगर किसी को हीरो बनाना जानते हैं तो उसको जीरो भी बनाना जानते हैं। और वैसे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई गलत नहीं है अपनी जगह पे। इस बात को ये भी बता देना, जो भी उनके बारे में जो ये अफवाह उड़ाया जा रहा है ये गलत है। इसलिए गलत है कि जो इंसान देश का संविधान लेके अपने साथ में चलता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेता, मानवर कांशीराम साहब के साथ चलता है, उनके बनाए हुए रास्ते पे चलता है, तो वो इंसान कैसे अपने समाज से गद्दारी कर सकता है। तो साथियों, ये बता देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई के बारे में जो भी ये चीज़ किया जा रहा है ये बिल्कुल ये गलत है। ये मैं कह रहा हूँ ये गलत इसलिए है कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग दो टुकड़ों में बटे, भीम आर्मी अलग हो जाए और बहुजन समाज हमारा अलग हो जाए। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग दो टुकड़ों में बटे, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। वो जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो इस तरीके से जो अफवाह उड़ाने का काम कर रहे हैं, वो अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हैं। जो सच्चाई है उसको कोई नहीं बताता है। सच्चाई ये है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई कहीं नहीं जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भाई बहुजन समाज का बेटा है और बहुजन समाज का ही गुनगाएगा, उन्होंने ऐसे ही कहा था। हाँ, वो चुनाव लड़ेंगे, वो भी मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, जहाँ पे वो अपना क्या नाम है लड़ेंगे। अगर बहुजन समाज का कोई भी प्रत्याशी वहाँ पे अगर कमजोर पड़ रहा है तो भीम आर्मी पूरा जोर उनका सपोर्ट करेगी, और वैसे भी पूरे देश में भीम आर्मी जो है वो सपोर्ट बहुजन समाज का करेगी तो करेगी। तो सभी साथियों से ये बता देना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये बिल्कुल ये झूठा है, उन लोगों की ये साजिश है। तो आप लोगों से ये बात करने के लिए मैं आया था साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई किसी भी पार्टी का नहीं, वो बहुजन समाज का बेटा और बहुजन समाज का ही बेटा रहेगा, और हमारा वो शेर था और शेर ही रहेगा। तो सभी साथियों से ये मैं बात करने के लिए आया था। मैं मनीष कुमार डेंजरस शमा, इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बात रहेगी साथियों मैं आप लोग के बीच में आकर बताता रहूँगा। जय भीम, जय जय भीम।